हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं टेक फैक्ट। तो फ्लिपकार्ट चल रहा है बिग बिलियन डे, जिसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है और उस पर कुछ काफ़ी बेहतरीन ऑफर्स चल रही हैं इस समय। और इस सेल में जो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो है मोबाइल फ़ोन्स। तो आज मैं आपको 7 ऐसे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा जो कि आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे पर फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। मैं आपको 10,000 से 30,000 तक के मोबाइल फ़ोन्स इस वीडियो में बताऊँगा, जो कि आप अगर इस सेल में खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो जो फ़ोन सबसे पहला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है ASUS की तरफ से, ASUS का Zenfone Max Pro M1। इस फ़ोन का जो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल है वो हमें अगर हम बाकी रेगुलर डे में देखें तो 11,000 में देखने को मिलता था, पर अब हम इसे लगभग 10,000 में खरीद सकते हैं। और ये फ़ोन एक काफ़ी बढ़िया फ़ोन है क्योंकि ये फ़ोन 15,000 वाले फ़ोन्स को भी बराबर की टक्कर देता है। तो अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहें तो आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट पे अभी खरीद सकते हैं क्योंकि सेल 14 अक्टूबर तक है। और जितने भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में बताऊँ उन सबका लिंक आपको लाइन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके सीधा इन फ़ोन्स के पेज पर जा सकते हैं और वहाँ से इन फ़ोन्स को बाई कर सकते हैं। सेकेंड फ़ोन है Realme 2 Pro। ऐसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है और इस फ़ोन में हमें बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके ऊपर नोच भी काफ़ी छोटी सी है जिसको हम ड्रॉप नोच या वी नोच भी कहते हैं। ये फ़ोन हमें अगर सेल ना हो तो 15,000 के आसपास देखने को मिलता है, पर अब सेल में ये भी हमें 1,000 रुपये सस्ता ही मिल रहा है और इसे हम 14,000 में खरीद सकते हैं। इस फ़ोन का लुक काफ़ी बढ़िया है, आप पीछे से भी देख सकते हैं इसके पीछे डुअल कैमरा है। मैं जितने भी फ़ोन आपको बताऊँगा उन सब में लगभग बैक पर डुअल कैमरा ही है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे फ़ोन है वो है Redmi का Note 5 Pro। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, वैसे तो काफ़ी पुराना हो चुका है फ़ोन, पर अगर आप अभी भी इसको कंपेयर करेंगे जो मार्केट में फ़ोन आज अवेलेबल है तब भी ये फ़ोन अपने आप में काफ़ी दम रखता है। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो इस फ़ोन की बहुत हाइप बन गई थी मार्केट में, लोगों ने 2,000 एक्स्ट्रा देकर ये फ़ोन ख़रीदा था। मतलब जैसे ये फ़ोन 15,000 का था तो लोगों ने 17,000 तक दे के इस फ़ोन को ख़रीदा था, पर अब ये फ़ोन आपको 2,000 और सस्ता मिल रहा है। इस फ़ोन को आप अब 13,000 रुपये में खरीद सकते हैं जो कि ये काफ़ी बढ़िया प्राइस है इस फ़ोन के लिए। तो अगर आपका बजट 12,000-15,000 है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो फोर्थ फ़ोन है वो है नोकिया की तरफ से, नोकिया 6 One Plus। ये फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, नोच के साथ आता है। जब ये रिलीज़ हुआ था तो इसका प्राइस 17,600 था, पर अब इस सेल में हम इस फ़ोन को 15,000 में खरीद सकते हैं और ये फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। नोकिया की फ़ोन की जो बिल्ट होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है और जो लोगों को एंड्रॉयड 1 मतलब प्योर एंड्रॉयड पसंद है तो उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है। अगला फ़ोन है पोको F1। इस फ़ोन में हमें लिक्विड कूलिंग देखने को मिलती है। जब ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था तो इसका प्राइस 22,000 के आसपास था, पर इस सेल में हम इसे 21,000 में खरीद सकते हैं। और इस फ़ोन पे एक ऑफ़र भी है जिसमें हम अगर वन प्लस का कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो ये फ़ोन हमें 5,000 से 6,000 के आसपास पड़ेगा। मैं जितने भी फ़ोन आपको बता रहा हूँ इन पे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप HDFC के कार्ड से पे करेंगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आप 15,000 का फ़ोन खरीदते हो और उसकी पेमेंट कार्ड से करते हो तो आपको 10% मतलब 1500 और सस्ता फ़ोन मिलेगा। और अब जो 6 फ़ोन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही पावरफुल फ़ोन है। ये वन प्लस 6 के टक्कर का फ़ोन है और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये फ़ोन बेस्ट रहेगा 25,000 के आसपास। इस फ़ोन का नाम है Zenfone 5Z। ये भी एक नोच वाला फ़ोन है, इसके बैक में भी हमें डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं, पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है। ये रिलीज़ होने के टाइम 30,000 के आसपास हमें देखने को मिलता था, पर इस सेल में हम इसे 25,000 रुपये खरीद सकते हैं और वही HDFC से आप 10% एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, मतलब 2,500 रुपये आपको और लेस हो जाएगा। जो लास्ट फ़ोन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा सेवन फ़ोन वो है Samsung Galaxy S8। वैसे तो इस फ़ोन को अब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर इस पर स्कीम काफ़ी अच्छी चल रही है अगर आप लेना चाहेंगे तो। अगर आप इस फ़ोन को सेल के अलग से लें तो आपको 46,000 पे करना पड़ेगा इस फ़ोन के लिए, पर इस सेल में आपको ये फ़ोन 30,000 में देखने को मिलेगा। मतलब 15,000 तक का डिस्काउंट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। जब ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था तब लोग इस फ़ोन के बहुत ज़्यादा दीवाने थे और फीचर्स वाइज ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। आपको इसमें एच डिस्प्ले देखने को मिलती है जो साइडों से मुड़ी हुई है, आप पिक्चर में देख सकते हैं।
और इसके बैग में सिंगल ही कैमरा है, पर उस सिंगल कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये थे दोस्तों 7 ऐसे फ़ोन जो आप फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे पे खरीद सकते हैं और जो कि बेस्ट फ़ोन रहेंगे अगर आप खरीदना चाहें। आपका जितना भी बजट हो आप इनमें से कोई भी फ़ोन खरीद सकते हैं। अगर आपका 10,000 का बजट है तो आप ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 प्रो देख सकते हैं, उससे ऊपर फिर रियलमी 2 प्रो आ जाता है, फिर रेडमी नोट 5 प्रो आ जाता है। मैं रेडमी नोट 5 प्रो ही यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम और ये वीडियो भी मैं उसी से बना रहा हूँ। और वैसे मेरे पास एक और फ़ोन है जो कि यहाँ टेबल पे पड़ा है, ASUS का ज़ेनफोन, एंड उसके बाद फिर नोकिया का 6 प्लस आ जाता है, फिर पोको F1। और मतलब जो मैंने ASUS का ज़ेनफोन 5Z बताया वो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S8 लेना चाहते हैं तो उस पर तो काफ़ी डिस्काउंट है, लगभग 15,000 के आसपास का। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इन 7 फ़ोन में से अगर खरीदना चाहें और खरीदने वाले हैं तो कौन सा फ़ोन खरीदना चाहेंगे और ख़रीदेंगे। इन सब फ़ोन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। Yeah!